हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो नवरात्रि के अवसर पर हम एक सोत्र से शुरुआत करते हैं। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हुए हम लोग आज बनाने वाले हैं करारे आलू। तो मैंने इस तरह से आलू को कट किया हुआ है, पतला पतला सा कट किया हुआ है और धो के उसको स्ट्रेन करके मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। चलिए तो हम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है, थोड़ा तेल डालिए। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। ना तेल इनफ है, 1 से 2 टेबलस्पून। मैंने गैस पहले ऑन कर रखा है। और जो ये रेसिपी है ये बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और ये आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे दाल चावल हो या पराठे हो। तो आइए हम बनाते हैं। तेल गरम हो चुका है अच्छे से। पहले पैन को अच्छे से गरम करके फिर तेल डालिएगा और अच्छे से गरम होने दीजिएगा। अब हम ये डालते हैं इसमें। हम अभी इसे मिला देंगे मीडियम गैस पे। हमें इसे 2-3 मिनट तक भूनना है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वह चलिए। तो हम अब इसे ढक देते हैं। 2-3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, मॉइस्चर निकल गया है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच में पका लेंगे। चलिए तो हम देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। देखिए यहाँ पे ऐसे रेडिश होने आ रहा है इसमें। तो और बस 2-3 मिनट तक उसको और थोड़ा पकने दीजिए, क्योंकि अभी पका नहीं, थोड़ा सा और एक बस 2-3 मिनट और ढक देंगे। चलिए हम देखते हैं, 2 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अब टाइम आ गया है इसमें हल्दी डालने का। हल्दी डाल दीजिए, डाल दीजिए। और मैंने यहाँ पे कुछ स्लिट की हुई मिर्चियाँ, ग्रीन चिलीज भी हैं, ज़्यादा नहीं डाली है, बच्चे नहीं खा पाएंगे। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और फिर से इसे हम इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस और 2-3 मिनट तक आप इसको ऐसे चलिए। देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दीजिएगा। देखिए तो इस तरह से बने हैं ये करारे आलू। और आप इसे आराम से घर पर बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। और आप इसे पराठे या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।